आज हम बात करेंगे 26-27 फरवरी का मौसम अपडेट। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बदलते मौसम के बीच में कभी बारिश तो कभी धूप के बीच सर्दी का सितम अब कम होने लगा है, लेकिन अचानक से हुई बारिश की वजह से एक बार फिर से ठंड अपना असर दिखा रही है। मौसम विभाग की तरफ से जारी पूर्वानुमान की माने तो मौसम अभी शुष्क बना रहेगा। हालांकि पिछले कुछ दिनों से रात के तापमान में हल्की गिरावट देखी गई है, जिससे लोगों को सुबह और रात में हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग की तरफ से यह भी कहा गया है कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश की संभावना बनी हुई है। हालांकि प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में बदलाव देखने को मिला है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश भी हुई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार मौसम शुष्क बने रहने की बात कही गई है। विभाग की तरफ से जारी अपडेट को माने तो यह भी बताया गया है कि प्रदेश भर में पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हवा का प्रभाव जारी है, जिसके कारण प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार 26 फरवरी को प्रदेश के दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम के अलग अलग भागों में मेघ गर्जन के साथ बिजली चमकने की संभावना जताई गई है। वहीं 27 फरवरी को उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भागों में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि बाकी कुछ हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा। तो आइए अब जान लेते हैं 26 और 27 फरवरी के तापमान का पूर्वानुमान। उत्तर पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज में 26 फरवरी का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। तो वहीं न्यूनतम तापमान जो है 14 से 16 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। वहीं पर 27 फरवरी का अधिकतम तापमान जो है 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि न्यूनतम तापमान जो है 14 से 16 डिग्री तक रहने की बात कही गई। वहीं अगर हम उत्तर मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों की अगर हम बात करें तो उसमें सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर में 26 फरवरी का अधिकतम तापमान जो है 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। तो वहीं न्यूनतम तापमान जो है 14 से 16 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। 27 फरवरी के अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो अधिकतम तापमान जो है 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान जो है 16 से 18 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। उत्तर पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार का 26 फरवरी का अधिकतम तापमान जो है 26 से 28 डिग्री तक रहने की बात कही गई है, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान जो है 14 से 16 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। 27 फरवरी का अधिकतम तापमान जो है 26 से 28 डिग्री तक रहने की बात कही गई है, तो वहीं न्यूनतम तापमान जो है 14 से 16 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। दक्षिण पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में बक्सर, भोजपुर, रोहतास, बबुआ, औरंगाबाद, अरवल में 26 फरवरी का अधिकतम तापमान जो है 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई है, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान जो है 14 से 16 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। वहीं 27 फरवरी का अधिकतम तापमान जो है 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान जो है 12 से 14 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। दक्षिण मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों में पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद का 26 फरवरी का अधिकतम तापमान जो है 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई है, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान जो है 14 से 16 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि 27 फरवरी का अधिकतम तापमान जो है 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि न्यूनतम तापमान जो है 14 से 18 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। दक्षिण पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में अगर हम बात करें तो भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया का 26 फरवरी का अधिकतम तापमान जो है 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान जो है 14 से 16 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। वहीं 27 फरवरी का अधिकतम तापमान जो है 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है 16 से 18 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। ये थे बिहार में मौसम से जुड़ी हुई जानकारी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।